नमस्ते दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शन को डॉक्टर आपकी नसों में लगाते हैं और कुछ इंजेक्शन को आपकी कमर में लगाते हैं या फिर डेल्टॉइड मसल या ग्लूटियल मसल में लगाते हैं, मतलब मांस में लगाते हैं, और कुछ इंजेक्शन को आपके चमड़े के नीचे मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाते हैं, जो चमड़े और मांस के बीच में जो फैट होता है वहाँ पर लगाते हैं, मतलब आपके चमड़े के जस्ट नीचे लगाते हैं। तो उनको ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर लगाना है? तो इसको जानने के लिए वो क्या करते हैं, जो इंजेक्शन होता है जिसको हमें लगाना होता है उसके ऊपर देखते हैं। इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है IM। अगर IM वनली लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस इंजेक्शन को सिर्फ कमर में लगाया जा सकता है। और अगर किसी इंजेक्शन के ऊपर IV वनली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ उसे हम नस में लगाएंगे। पर अगर किसी इंजेक्शन पर IM और IV दोनों लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को हम IM भी लगा सकते हैं और IV लगा सकते हैं, मतलब मांस में भी लगा सकते हैं और नस में भी लगा सकते हैं। और अगर किसी इंजेक्शन के ऊपर सब क्यूटेनियस लिखा होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस इंजेक्शन को आप चमड़े के और मांस के बीच में जो फैट होता है, मतलब जस्ट चमड़े के नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यू में लगाना है। प्रमुख यही 3 रूट होते हैं इंजेक्शन लगाने के, और भी बहुत सारे रूट होते हैं, उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।